graph y equal to x cube. All right, and then at the constant speed of 10 units per second, the speed of the measured along the length of the curve. Okay, length of the curve का formula needed होगा जो कि यहाँ पे provided है. Formula for the curve length along the graph y equal to fx from x equal to a to x equal to b is l equal to integration a to b under root 1 plus f dash whole square. अगर आप dx dy में convert करें तो ये पता चलेगा कि dx whole square plus dy whole square है. ठीक है ना, उसका integration है, that is chord length delta s का under root of that is delta s. तो chord length का formula general होता है, इसमें ये provided है, so we need not to think about it. As the spider runs, it spins out a thread that is always maintained in a straight line connecting the spider with the origin. Okay, origin से thread को connect करेंगे, spider connected है thread से, और उसका हमें the rate of rate in which rate in unit per second at which the thread is elongated when the spider is at half comma 1/8. तो यहाँ पे पहले तो एक फिगर यहाँ बना लेते हैं. सपोज फिगर इज लाइक, एक्स क्यूब लेफ्ट में इज नॉट रिक्वायर्ड. मान लो एट पॉइंट एट आफ्टर टाइम टी यहाँ पे कुछ ये पॉइंट सपोज टी पे पहुँच गए, जिसको मैं एक्स कॉमा एक्स क्यूब ले सकता हूँ. वाई गोलो एक्स क्यूब हमारा पाथ है. एंड आफ्टर टाइम टी जो है ये ओ हो गया ओरिजिन, और इसको मैं इसके अलॉन्ग हमें लेंथ लेना है, राइट. तो यहाँ पहुँच गया, टी पे पहुँच गया वो स्पाइडर. क्वेश्चन क्या है मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको जो ये लेंथ है इसको मैं लैम्डा नाम देता हूँ. लेट मैं लिखने वाला हूँ आफ्टर टाइम टी, लेट द पोजिशन ऑफ स्पाइडर ऑन ग्राफ इज टी एक्स कॉमा एक्स क्यूब. तो यहाँ पे जो गिवन है ये लेंथ एल गिवन है, राइट. तो गिवन है जो एल का फॉर्मूला गिवन है, एल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन 0 to x, राइट, अंडर रूट ऑफ 1 plus f dash x होल स्क्वायर dx. अच्छा, और एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स क्यूब है. तो बच्चों आप बता सकते हैं एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x square हो जाएगा, राइट. सो इसको हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं वैसे तो, क्योंकि देखो dl by dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये गिवन है 10 यूनिट्स गिवन है. देखिए यहाँ पे पर सेकेंड 10 गिवन है. व्हाट इज इट मीन, इसका मतलब है कि इसको न्यूटन लेबनीज रूल से फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस है ना, यहाँ लिख सकते हैं इसका डेरिवेटिव. तो dl by dt को however we can write dl by dx into dx by dt is 10. And what is dl by dx? Where? dl by dx हो जाएगा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ dl by dx को, वो हो जाएगा under root of 1 plus f dash x का होल स्क्वायर. And ये बेसिकली क्या है, f dash x is nothing but 1 plus f dash x is 3x square from here. That is 9x raised to the power 4. ये आ गया, हमें जो रिक्वायर्ड है वो लैमडा का चाहिए बेसिकली, ठीक है. तो यहां से मैं लिखने वाला हूं नाउ टू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ ओ टी, दैट इज डी एल बाई डी टी, सॉरी डी लैमडा, हमने एल को लैमडा वो ओ टी को लैमडा बोला. लेट ओ टी इज इक्वल टू लैमडा, राइट. सो डी एल बाई डी डी चाहिए, डी लैमडा बाई डी डी चाहिए. तो डी लैमडा बाई डी डी को पहले तो मैं लिखूंगा डी लैमडा बाई डी एक्स. अच्छा, व्हाट इज लैमडा, लैमडा इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ
x square plus x raised power 6. All right. So d lambda by dx into dx by dt लिख देते हैं. तो d lambda by dx को अगर मैं mention करूँ तो इसको differentiate करेंगे तो आएगा after okay 2x plus 6x raised power 5 divided by 2 under root x square plus x raised power 6. Simply differentiate किया गया. And dx by dt from here dx by dt from here you can say it is 10 upon dl by dt and dl by dt यहाँ लिखा हुआ नीचे is under root of 1 plus 9 x raised power 4. All right बच्चों, so इसकी value हमें निकालनी है. First we'll simplify it. तो यहाँ 2x कट सकता है यहाँ पे, तो यहाँ आ रहा है 1 plus 3x raised power 4 into 10 upon, अच्छा at x equal to क्या गिवन है, half comma 1 by 8, half हमें फाइंड करना है चीजें. सो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x raised power 4 आ जाएगा बिकॉज मैंने x कैंसिल कर दिया, 2 कैंसिल कर दिया, एंड हेयर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 x raised power 4. Now x is half, just put the value of x here. So you'll get 1 plus 3 upon 16 into 10 divided by under root 1 plus 1 by 16 under root 1 plus 9 by 16. So after simplification, dekhte hain kya aata hai. 16 will get cancelled. 16 plus 3, 9. And here you'll get in denominator second square root gives 5 by 16. आई मीन 5 बाई 4, तो 4 4 कट जाएगा, रूट 17 आ रहा है. तो ये 5 इंटू 10 बाई 5 इज 2, 2 इंटू 19 इज 38 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 17. दिस मस्ट बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो यही रेट है, यूनिट्स रेट इन यूनिट पर सेकेंड, यही आएगा यूनिट पर सेकेंड. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, तो ये ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.